सभी जग अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, है सभी जग अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी में बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज ढूंढ लो नई सुबह। सन 1990 के आरंभ में सारे देश में जो साक्षरता अभियान शुरू हुआ था, उसकी लहरों ने तरंगित कर दिया था पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले को भी। हलचल मच गई थी हर आदमी के मन में। अब बहुत दिन बीत गई है, नव साक्षरों ने साक्षर होने की आवश्यकता महसूस की है। जिले के लोग धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रमों के रास्ते पर चलते हुए एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें नजर आ रही है एक नई सुबह। मीछे देहर घुमर कोरोना, कौन दिन पाखी पालिए जाबे ताऊ के जानो ना, ओ तखन साधेर खाचा थाकबे पोरे, ओ तखन साधेर खाचा थाकबे पोरे, ওরে তাই থাকবে না ঠিকানা তোর ভোলা মন, হ্যাপা মনে থাকবে না ঠিকানা তোর, সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর, হ্যাপা তোর ভাঙল না রে ঘুমের ঘোর, সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর। अगले 5 नवंबर को रामनगर गांव में ग्राम संसद की एक सभा बुलाई गई है, आप सभी इसमें मौजूद रहें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला की साक्षरता समिति ने सन 1990-91 से अभियान शुरू करके सन 1997 तक एक लंबा सफर तय किया। इस जिले में 9 से लेकर 50 साल की उम्र तक के 7,30,000 निरक्षर लोगों में से 6,77,000 लोगों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निर्धारित स्तर के अनुसार साक्षर किया गया। इनमें से 4 लाख से भी ज्यादा लोग साक्षरोत्तर स्तर को पार कर चुके हैं।
आज ये लोग वीरभूम के गौरव हैं। लगभग 70,000 स्वयंसेवक, प्रशिक्षक, प्रशिक्षिका तथा जिले के सभी वर्ग के लोग इस गौरव में हिस्सेदार हैं। सिर्फ इस राज्य में ही नहीं बल्कि सारे देश के साक्षरता आंदोलन में वीरभूम आज एक अग्रणी जिला है। धारावाहिक रूप से शिक्षा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर वीरभूम के लोग आज संपूर्ण विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अनपढ़ थे, इस केंद्र में लिखना पढ़ना सीख कर हमने बहुत कुछ सीखा और अब श्रमदान करके हम इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। साक्षर होकर मैंने परिश्रम के महत्व को समझा और अब रास्ता बनाने के काम में जुटी हुई। वीरभूम जिला साक्षरता आंदोलन शुरू हुए 1991 में वीरभूम जिले में साक्षरता आंदोलन शुरू हुआ था। तब हम यहाँ टोटल लिटरेसी प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिसके फलस्वरूप इस जिले को संपूर्ण साक्षर होने का विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर हम पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में चले गए। जो लोग साक्षर हुए थे उनको इस प्रोग्राम में लाना था। अब 1997 में हम जिस स्तर पर पहुंचे हैं वो है तीसरा स्तर। ये है कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रम। ये कहते हुए हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में ये जिला सर्वप्रथम इस सम्मान का हकदार हुआ है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है उसे समझने के लिए हमें गाइडलाइन मिला है NLM से। उससे हमें पता चलता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। धारावाहिक शिक्षा क्रम को आरंभ करने का उद्देश्य है साक्षरता को स्थायी रूप देना। साक्षरता के न्यूनतम स्तर को पार करने के बाद भी शिक्षार्थी पढ़ाई जारी रख सकें, इसलिए उन्हें पुस्तकालय, शिक्षा चक्र आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। धारावाहिक साक्षरता जे पर्याय, से धारावाहिक साक्षरतार पर्याय द्वितीय पर्याय साक्षरोत्तर क्रम शेष करे आमरा बर्तमाने धारावाहिक शिक्षा केंद्र एवं तार संगे साक्षरतार जे अन्यान्य कर्मसूची सेई कर्मसूचीर मध्य दिए चलेछि। धारावाहिक शिक्षा के दूसरे स्तर का पाठ पूरा करवाने के बाद अब हम शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके में जागरूकता वृद्धि भी खास तौर पर देखी गई है। इस क्षेत्र में किसी भी गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां छोटी उम्र के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। यहां साक्षरता का औसत 82% है। इसकी वजह से साक्षरता के दूसरे फायदे भी नजर आ रहे हैं। इनमें अब कोई कुसंस्कार नहीं रहा। यहां के लोगों में शराब पीने की जो आदत थी वो भी अब छूट चुकी है। नजदीकी जो वनांचल है वहां के पत्तों के द्वारा ये अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं। इस काम के लिए वन विभाग की ओर से उन्हें कंप्रेसिंग यूनिट मुहैया कराई गई है। इस तालाब के चारों ओर का पेड़ इन्होंने ही लगाया है और तालाब भी इन लोगों ने ही बनाया है। इसमें मत्स्य पालन किया जाता है। पासे जे कुकुर आमरा देखेछी ओखाने बनसृजनेर काज निजेराई करेछे, निजेर श्रम दिए कुकुर केटेछे, सेई पुकुरे माछ चाष करे बिक्री करे अर्थनैतिक साश्रय घटाय। इससे इनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है। इस वन निर्माण के माध्यम से ये पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी करते हैं जो इनकी आर्थिक हालत सुधारने में सहायक साबित हो रही है।
धारावाहिक शिक्षा क्रम का उद्देश्य है रहन सहन का स्तर ऊंचा करने और आमदनी बढ़ाने के लिए शिक्षा को प्रयोग में लाना। आगे आमी लेखा पढ़ा जानतम एकोन साक्षरता से युक्त हुए लेखा पढ़ा सीखे थी। पहले मैं भी अनपढ़ था लेकिन साक्षरता से जुड़ने के बाद पढ़ना लिखना सीख कर अब मैंने बहुत कुछ जाना है। गोबर गैस का प्लांट बनाया है, उसी में अब रसोई होती है। सरकार ने एक धान रखने का भंडार बना दिया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। अपने पर्यावरण के बारे में ज्ञान हासिल कराना तथा इस बारे में जागरूक रखना भी धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग है। अपने गांव में जो संपदा है उसे किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सके, गांव में जो तालाब हैं, उनमें मछली पालन किया जा सकता है या नहीं, गांव में ऐसी जमीन जहां खेती नहीं होती वहां पर पेड़ पौधे लगाकर वन निर्माण किया जा सकता है या नहीं, इसके अलावा गांव की सड़क आदि के बारे में ग्राम शिक्षा समिति तथा ग्राम संसद के बीच समन्वय स्थापित करके एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां रहन सहन का स्तर तथा आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। गांव की सभा में बैठकर पहले गांव का एक मानचित्र तैयार किया जाता है, फिर इस मानचित्र को लेकर गांव के लोग आपस में मिलकर चर्चा करते हैं और गांव के विकास के लिए क्या करना जरूरी है उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है चर्चाओं के माध्यम से प्राप्त स्तर को बनाए रखना, व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक साक्षरता का प्रयोग, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचाना, राष्ट्रीय मूल्यांकन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की रक्षा, परिवार नियंत्रण और महिलाओं को सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना। गांव और मानव संसाधन के आधार पर विभिन्न अर्थनैतिक योजनाओं के साथ महिलाओं को भी जोड़ने के फलस्वरूप बहुत सारे परिवार अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं। শিক্ষার তো শেষ নেই, তাই এই কর্মসূচি ধাপে ধাপে আমরা শিক্ষা কা কোই অন্ত নহি হে, ইসলিয়ে হমনে আম আদমি কে লিয়ে সাক্ষরতা আর উসকে বাদ কা কার্যক্রম তথা ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র কা কাম আগে বাড়ায়া হে। হমনে ইসকো সিরফ আঁকড়ো মে হি সীমিত নহি রাখা বলকি কই তরহ কে বিকাশ কে কার্যো কো ইসমে জোড়া হে। ইলাকে কি খনিজ সম্পদা তথা প্রাকৃতিক সম্পদা কো मानव संसाधन के साथ जोड़कर कई तरह के विकास के कार्यक्रमों को हमने शुरू किया है। इसमें अब अधिक से अधिक लोग रुचि ले रहे हैं। सभी वर्ग के लोग ये समझ गए हैं कि यही विकास का रास्ता है। हमने जो धारावाहिक शिक्षा केंद्र शुरू किए हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कार्यकुशलताएं सिखाई जाती हैं ताकि लोग अपना निजी उद्योग शुरू कर सकें, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन वगैरह। बांस, बेंत वगैरह प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करके वे लोग किस तरह से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, साथ ही कुसंस्कार के खिलाफ शराब पीने के बुरे नतीजों के बारे में लोगों को सचेत किया जाता है। यही हमारा मूल लक्ष्य है। प्राकृतिक संपदा से शेगुली के
কি করে ব্যবহার করে আমি আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। আসলে মানুষকে তার নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে, এইটাই মূল লক্ষ্য। কেবল আর্থিক স্তর উঁচা ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ाना भी धारावाहिक शिक्षा क्रम का अंश है। इस महिला को डायन करार देकर उसे तकलीफें देकर समाज से तथा गांव से निकाल दिया गया था, पर आज माहौल बिल्कुल बदला हुआ सा है। उसे फिर गांव में वापस ले आकर उसकी पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। मेरे पड़ोसी का बच्चा बीमार था, मैंने उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। वहाँ इलाज के बाद भी वो नहीं बचा। फिर सबने मुझ पर ये आरोप लगा दिया कि मैं डायन हूँ। मुझे मारा पीटा, मेरे घर में आग लगाने की धमकी दी गई और मुझे गांव से निकाल दिया गया। लेकिन अब मेरे प्रति सभी का व्यवहार ठीक हो गया है। डान हुई है, मार धोर पीट कर तो मन की बोल तो आगुन धुरी है जोली है मेरे बो जानू नहीं करे ताहमी मुकिन तो थनार मनु मने बाबूगुलान को जाना है चलो। धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है साक्षरता को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य कुशलता बढ़ाकर रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता करना। नव साक्षर, अल्प साक्षर, साक्षर सभी लोगों को एक साथ जोड़कर एक शिक्षार्थी समाज का गठन करना। বিশালয়ে পড়তে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা আমরা জেনেছি। আমাদের যে আমাদের এই গ্রামের যে বিভিন্ন রকম সমস্যাগুলো আছে, এই গ্রামে কি কি সমস্যা আছে? साक्षरता कार्यक्रम की सफलता का आधार था लोगों का समर्थन तथा चेष्टा। इसलिए धारावाहिक शिक्षा क्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज के सभी वर्गों का समर्थन और उनकी हिस्सेदारी की आवश्यकता है। पहले आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के मन में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना जागृत की जाए। केंद्रों में अनियमित शिक्षार्थियों की नियमित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कारीगर, सांस्कृतिक संगठनों तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ना, यह कार्य अकेले किसी के वश की बात नहीं। इसके लिए चाहिए सुदृढ़ निर्माण ढांचा और तैयारी। धारावाहिक शिक्षा क्रम सिर्फ अक्षर परिचय में ही सीमित नहीं रहा है, अथवा शिक्षा चक्र ने केवल साक्षरता केंद्र की ही भूमिका नहीं निभाई। शिक्षा चक्र ने साक्षरता के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य भी किया है। इस स्तर पे हम विशेष रूप से जिस बात पे जोर दे रहे हैं वो ये है कि स्थानीय कलाकार जिनके साथ पिछले 6 सालों से इस प्रोग्राम की वजह से एक संपर्क स्थापित हो गया है, उन्हें हम इन कार्यक्रमों में खास तौर पर जोड़ना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने जिले में कलाकारों की एक बैठक बुलाई थी। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में स्थानीय कलाकारों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, इससे उनमें जागरूकता आएगी। सैंथिया ब्लॉक में तथा और भी 3-4 ब्लॉकों में ऐसा किया गया है। हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग, स्थानीय कलाकार सब एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और 3-4 ब्लॉक स्टार्ट करे छे राजनगर इज वन ऑफ देम आई रिकॉलेक्ट। एनकरेज करछी ओरा जाते लोकल आर्टिस्ट, लोकल मानुष और लीडरशिप के निये जाते ए इन्वॉल्वमेंट और बढ़ानो जाए।
এবং যাতে এই প্রোগ্রামকে আরো ভালো করে সাকসেস করা যায়। ग्रामीण कलाकारों को इकट्ठा कर उनके द्वारा कार्यक्रम कराना केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रहा। ये लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति के साथ साथ साक्षरता, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने, आर्थिक विकास आदि के बारे में भी आम लोगों को जागरूक करते हैं। ये शारीरिक कसरत जो आप देख रहे हैं, ये भी धारावाहिक शिक्षा का ही एक अंग है, जो हमारे एकाग्रता अनुशासन को बढ़ाते हैं। इससे हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। खेल कूद भी साक्षरता कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, जो लोगों को संपूर्णता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा क्रम में जितनी सफलता हमने अर्जित की है, अभी उससे संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं। कहा जा सकता है कि यह हमारे कार्य की केवल पहली सीढ़ी है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए लगभग 500 नव साक्षर या स्वल्प साक्षर व्यक्तियों के लिए फिलहाल एक धारावाहिक शिक्षा केंद्र की आवश्यकता है, और उसी तरह के 8-10 केंद्रों को लेकर एक केंद्रीय धारावाहिक शिक्षा केंद्र की गठन की भी आवश्यकता है। देश विदेश के विभिन्न अनुभवों के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में इस धारावाहिक शिक्षा की भावना का अभ्युदय हुआ है। पुराने अनुभव बताते हैं कि धारावाहिक साक्षरता कार्यक्रम के अभाव में साक्षरता कार्यक्रमों के सारे प्रयास और परीक्षण व्यर्थ साबित हुए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज के हर स्तर और आम जनता को भी इस आंदोलन में सम्मिलित कर लिया जाए, तभी साक्षरता का कार्यक्रम सार्थक हो सकता है। আমি মনে করি যে এটা শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রোগ্রাম হতে পারে না। আমি জানি মেরে খেয়াল সে যে কেবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রোগ্রাম নহি হো সকতা। মে জানতা হু সন 1991 মে জব সে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হুয়া হে উস সময় সে সবি রাজনৈতিক দল পঞ্চায়েত প্রশাসন সব এক সাথ ইস প্রোগ্রাম সে জুড়ে হ্যায়। मैं अभी ये महसूस करता हूँ कि अगर सामूहिक रूप से इसमें प्रयास न किए जाएं, तो ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। मेरा सौभाग्य है कि
कि मुझे इस जिले में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिला है और प्रशासन के हर स्तर को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन